गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं ना? करते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं अविनाश ओझा आज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक नेक्स्ट पार्ट फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर SI यूनिट के बारे में समझाने आया हूँ। ध्यान से समझिएगा, वीडियो देखिए, समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि बच्चे लाभ ले सकें। बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी की। व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी? देखिए, किसी वस्तु को अगर मेज़र करना है तो मेज़र करने के लिए कोई ना कोई क्वांटिटी तो लेनी ही पड़ेगी, तब तो वो ना मेज़र होगा। जैसे हमको मेज़र करना है कि ये कपड़ा लेने गए दुकान पे, अब दुकान वाले थोड़ी ना कहेंगे हमको 2 किलो कपड़ा दे दीजिए। दुकान वाले से कपड़ा कहाँ कहेंगे हमको, कहेंगे भाई 2 मीटर कपड़ा दीजिए, क्योंकि वो लेंथ में थी तो हमको उसके लिए मीटर कहना पड़ा। तो इसीलिए किसी भी वस्तु को मेज़र करने के लिए 7 फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक क्वांटिटी दी गई, जो कि आपकी हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक, और इन 7ों क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए 7 यूनिट्स बताई गई। सब जानते हैं लेंथ विल बी एक्सप्रेस इन द मीटर, एम से मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में, टेम्परेचर केल्विन में, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस मोल किसके बराबर होता है, एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10³, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग मापते हैं कैंडिला में। एक बच्चे का मेरे पास सर क्वेश्चन आया था कि सर ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है। कुछ नहीं भाई, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता है, किसका है, मेजर ऑफ वेवलेंथ। पावर इमिटेड बाई ए लाइट सोर्स इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन बाय पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट सॉलिड एंगल्स, किसी भी सॉलिड एंगल पर यूनिट सॉलिड एंगल के द्वारा किसी भी लाइट सोर्स से पार्टिकुलर डायरेक्शन में जितनी वेवलेंथ की एनर्जी इमिट होती है वही कहलाती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कैंडिला में एक्सप्रेस करते हैं, इसको डिस्कवर किया था साइंटिस्ट जूस वियोली ने। किसने बताया था? जूस वियोली ने। चलिए, तो हमारे 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं और उनको एक्सप्रेस करने के लिए 7 यूनिट्स हैं। अब इन यूनिट को एक्सप्रेस करना है तो बेसिक यूनिट को हम कुछ लार्ज फॉर्म में और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी, लार्ज फॉर्म में और रिड्यूस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे डेका 10, हेक्टा 100, किलो 10³, मेगा 10⁻⁶, गीगा 10⁹, टेरा 10⁻½, पेटा 10⁵, एक्सा 10⁸, जेटा 10⁻21 एंड याटा 10⁴। दैट्स आर द इनलार्ज फॉर्म। और ये अगर माइनस पावर हो जाएगी तो रिड्यूस फॉर्म। जैसे डेसी 10⁻⁻, सेंटी 10⁻², मिली 10⁻³, माइक्रो 10⁻⁶, नैनो 9⁻⁹, पीको 10⁻½, फीमेटो 10⁻⁵, एटो 10⁻⁸, जेप्टो 10⁻ , एक्टो 10⁻⁴ और एंगस्ट्रॉम क्या होता है 10⁻⁹। तो कहने का मतलब है जो भी हमारी बेसिक क्वांटिटी होती है इसको हम लोग इन लार्ज फॉर्म में और रेड्यूस फॉर्म, दोनों फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन लार्ज के लिए ये आपकी क्वांटिटीज़ हैं, रेड्यूस फॉर्म के लिए ये आपकी क्वांटिटीज़ हैं। अब बात करते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़ की। ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती है? देखिए, फिजिकल क्वांटिटी से जो क्वांटिटी ऑब्टेन की जाएगी वो ड्राइव क्वांटिटी हो जाएगी। जैसे गाय भैंस से दूध ले आए तो दूध क्या है, बेसिक क्वांटिटी है, लेकिन उसी दूध से दही बना लीजिए, पेड़ा बना लीजिए, रबड़ी बना लीजिए, तो वो सारी क्या हो जाएंगी, ड्राइव क्वांटिटी। तो जैसे लेंथ हमारा क्या है, बेसिक क्वांटिटी, उसी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट कर देंगे तो ये हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारी क्या हो जाएगी, ड्राइव क्वांटिटी। वेलोसिटी डेराइव्ड क्वांटिटी, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, ये भी हमारी क्या है, ड्राइव क्वांटिटी है।
तो एक शब्द में समझ लीजिए कि बेसिक क्वांटिटी को से जो क्वांटिटीज़ बनाई जाएंगी वो सारी क्वांटिटीज़ क्या कहलाएंगी, आपकी डेराइव क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आपका। हम इसी प्रकार से हम लोग टेम्परेचर को भी एक्सप्रेस करते हैं। आप जानते हो टेम्परेचर को मेनली एक्सप्रेस किया जाता है डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में और फॉरेनहाइट में, लेकिन इसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है केल्विन। लेकिन केल्विन को हम लोग डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉरेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। केल्विन में डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे तो केल्विन, और फॉरेनहाइट निकालने का फार्मूला ये है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अगला आता है डायमेंशन एनालिसिस। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है जो आप लोग करते आए हो। टेक्निक यूज फॉर कन्वर्टिंग वन सेट ऑफ यूनिट इनटू अनदर, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना, ये कहलाता है डायमेंशन एनालिसिस। जैसे मैंने कहा किलोग्राम, किलोग्राम को बदलिए ग्राम में, एक किलोग्राम में 1000 ग्राम, 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम, 2×10³ ग्राम, इसी को मिलीग्राम में लिख लिए। तो हमने किलोग्राम को ग्राम में बदला, ग्राम को मिलीग्राम में बदला, तो यही कन्वर्जन कहलाता है क्या, डायमेंशन एनालिसिस। और कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्टिंग फैक्टर का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग को कन्वर्ट करना है लेंथ, तो लेंथ को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इंचेस, फुट, माइल का यूज़ करते हैं। आप सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर जानते ही हैं। मैं इंच बता दूं, एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर जो बराबर होता है इतने फुट के और इतने माइल्स के, एक फुट बराबर होता है 12 इंच का, और इंच इतने माइल्स इतने सेंटीमीटर, एक माइल्स बराबर होता है इतने सेंटीमीटर इतने इंच और इतने फुट के बराबर। तो इंच फुट माइल मैंने आपको एक्सप्रेस कर दिया। इसी प्रकार मास को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ कन्वर्जन फैक्टर हैं, मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, आउंस, पाउंड, क्विंटल, टन। मिलीग्राम ग्राम तो आप जानते हो, किलोग्राम भी आप जानते हो, आउंस में बता देता हूँ, एक आउंस बराबर होता है 28.35 ग्राम, पाउंड बराबर होता है 453.6 ग्राम, और क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम के बराबर। अगर इन्हीं को और सारे यूनिट में कन्वर्ट करें तो एक आउंस इतने पाउंड में, इतने में क्विंटल में, इतने टन के बराबर, एक पाउंड इतने क्विंटल इतने टन के बराबर। तो कहने का मतलब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इसकी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो आप ये यूनिट अगर आप देख लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो आपका कन्वर्जन आसान हो जाएगा। आप एक यूनिट को दूसरे यूनिट में ईजी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस पे जो क्वेश्चन आपके बुक्स में, साइड बुक्स में है, उसको आप ज़रूर करिएगा। कोई डाउट्स होगी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिएगा, आपको आंसर मिलेगा। थैंक यू, घर पे रहिए, सेफ रहिए, बी हैप्पी।